चाचा पर भतीजा भारी। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। पारस जी भी माने हुए हैं, उनको भी समझा दिया गया कि कहां क्या दिक्कत है। सारे दिक्कत को दूर करते हुए सभी एनडीए के साथी हमारे साथ, अपनी अपनी दावेदारी। हम 16 चुनाव लड़े हैं, हम मुझे 17 पे लड़े हैं, 16 जीते हैं, हमको 16-17 सीटें चाहिए। स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा घटक दल है बिहार के अंदर में, और चीजों को लीड कर रही है। बिहार में तय हिस्सेदारी, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा भैया, हम उसमें लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में क्या एनडीए की बहार है? सीटों का बंटवारा करीब करीब तय है। चाचा और भतीजे के बीच खींचतान सुलझा दी गई है। चाचा भतीजा कौन? भतीजा चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस। भतीजे चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं और बीजेपी के मुताबिक चाचा पशुपति पारस को समझा दिया गया है। बीजेपी और जेडीयू की सीटें भी तय हैं, आधिकारिक घोषणा बाकी है। नीतीश कह रहे हैं कि शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी, पिछली बार भी इतनी ही सीटों पर लड़ी थी, सारी सीटों पर जीत मिली थी। जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी थी, पिछली बार जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी थी और 16 पर उनको जीत मिली थी। 5 सीटें चिराग पासवान को मिली है, एक एक सीट जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में जो फॉर्मूला बन रहा है वो भी आपको बता दें, सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनी। अभी खबरों की माने तो आरजेडी ने जो फॉर्मूला रखा है उसके मुताबिक तेजस्वी 30 सीटों की मांग कर रहे हैं आरजेडी के लिए। कांग्रेस को 7 सीट ऑफर किया गया है और लेफ्ट के लिए 3 सीटें छोड़ी गई है, लेकिन कांग्रेस 11 सीटों की मांग कर रही है। अब हम आपको बताते हैं पिछले बार यानी 2019 में बिहार में किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन था। 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, जबकि महागठबंधन 1 सीट वो भी कांग्रेस जीत पाई थी, आरजेडी का खाता नहीं खुला था। इस बार एनडीए सभी 40 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्या एनडीए बिहार में पिछली बार से बढ़िया प्रदर्शन करेगी, मतलब 39 का 40 जो वो दम भर रहे हैं मुमकिन भी है, क्या पीएम मोदी ने 400 का जो टारगेट रखा है उसका 10% क्या बिहार से आएगा। फिर आरजेडी अपने मुस्लिम यादव समीकरण की मदद से चुनौती क्या दे पाएगा, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 11 सीटों पर जिसमें 4-5 मुस्लिम बहुल सीटें हैं उतार दिए हैं अपने उम्मीदवार। हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, पहले ये रिपोर्ट। चाचा पशुपति पारस के साथ भतीजे चिराग ने गेम कर दिया है। चाचा की चाल पर भतीजे की रणनीति भारी पड़ रही है। जिस भतीजे चिराग की विरासत चाचा पशुपति ने छीनने की पूरी कोशिश की, उसका नया नतीजा ये है कि अब बीजेपी की नजर चिराग पासवान पर है। खबर है कि बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दे दी, पशुपति पारस को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। ये 400 का लक्ष्य न सिर्फ हम लोग पार करेंगे, बल्कि बिहार में जो पिछली बार 1 सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। तो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है, मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं है। चिराग पासवान और बीजेपी में जो डील हुई है उसमें पशुपति चाचा के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब नील बटा सन्नाटा। चाचा पर भतीजा भारी पड़ा तो खबर आई कि चाचा पशुपति पारस नाराज है, लेकिन उनके दूसरे भतीजे और पार्टी के सांसद प्रिंस राज ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि प्रधानमंत्री का फैसला सर्वोपरि है। उधर बीजेपी भी कह रही है कि पशुपति पारस को समझा दिया गया है, मामला सेट। मैं तो बता दिए है कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। सीट शेयरिंग लगभग क्लियर है, कोई फंसने की बात नहीं है, सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि किनको कितना सीट मिलेगा। जो भी हमारे गठबंधन के नेता हैं सब हमारे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पारस जी भी माने हुए हैं, उनको भी समझा दिया गया कि कहां क्या दिक्कत है। सारे दिक्कत को दूर करते हुए सभी एनडीए के साथी हमारे साथ। एनडीए में बिहार की सीटों का बंटवारा करीब करीब तय है। सूत्रों की माने तो बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी,
जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी, 5 सीटें एलजेपी के खाते में, एक एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दी जा सकती है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना है उसकी तैयारी कर हमारी पार्टी ने यहाँ विकास किया, बिहार के लोग तैयार भी कर रहे हैं, हमारे पार्टी के जो भी शेयरिंग में आ रहा है सीटें तैयार लोग कर रहा है, क्या हो रहा है। हम 16 चुनाव लड़े हैं और मुझे 17 पे लड़े हैं, 16 जीते हैं, हमको 16-17 सीटें चाहिए। सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा अभी आपको, अरे हम उसमें लगे हुए हैं। सर एनडीए में सब ठीक है? सर एनडीए में ऑल इज वेल है? बहुत जल्दी होने वाला है। सर एनडीए में ऑल इज वेल है? मुख्यमंत्री जी एनडीए में ऑल इज सीट पर आज शाम में क्लियर होगा। अब बात इंडिया गठबंधन की करते हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने जो फॉर्मूला तैयार किया है उसके मुताबिक आरजेडी 30 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस को 7 सीटों का ऑफर दिया गया है, लेफ्ट के लिए 3 सीटें छोड़ी गई हैं, लेकिन कांग्रेस 11 सीटों की मांग कर रही है। स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा घटक दल है बिहार के अंदर में और चीजों को लीड कर रही है, नेतृत्व में काम चल रहा है, तो हमारी जो भूमिका है सबको पता है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की जोर आजमाइश के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी बिहार से किस्मत आजमाने का फैसला किया है। एआईएमआईएम ने 11 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं, यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। अब असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवारों से विपक्ष को MY समीकरण में सेंध लगने का डर सता रहा है। उधर सत्तारूढ़ पार्टी AIMIM को तवज्जो नहीं दे रही। बिहार में ओवैसी साहब 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। इस बार हमारे अल्पसंख्यक भाई इनकी चाल समझ चुके हैं और ये बीजेपी की बी टीम बन करके बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम करते रहे हैं। हिंदुस्तान की सियासत का खेल निराला है, उसमें भी अगर सियासत बिहार की हो तो कहानी के हर मोड़ पर ट्विस्ट है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट के और नवल किशोर जी प्रवक्ता आरजेडी के स्टूडियो में। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु जी जरा बताइए कि भतीजा अब की बार ज्यादा पसंद आ रहा है, पहले चाचा पसंद आए थे, अब भतीजा चिराग पासवान पसंद आ रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि आप लोग चिराग पासवान को 24 में बाहुबली बना रहे हैं चाचा के ऊपर? देखिए ये दूसरी पार्टियों में समस्या रहती है कि पिता महत्वपूर्ण है कि पुत्र महत्वपूर्ण है, एक भाई महत्वपूर्ण है कि दूसरा भाई महत्वपूर्ण है। हमारे यहां तो इस समय स्थिति यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस विराट परिवर्तन के काल की तरफ आगे बढ़ रहा है, बिहार जो कि इतिहास के हर परिवर्तन का प्रमुख साक्षी रहा है, अगर हम पूछना चाहें हमारे जितने विद्वान लोग बैठे हैं, हम सब ने अंजना जी कहीं ना कहीं अपने जमाने में एक दौर सुना होगा, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या था, जिसको गोल्डन एज ऑफ गुप्ताज कहते हैं, तब जब पाटलिपुत्र भारत की कैपिटल थी। साहब गोल्डन एज की तरफ दोबारा भारत बढ़ रहा है तो कैसे बिहार उसके पीछे रह सकता है? तो चाचा हो, भतीजा हो, जन सामान्य हो, महिला हो, युवा हो, कामगार हो, किसान हो, सब मिलकर एक साथ खड़े हो रहे हैं कि अमृत काल में भारत की नंबर वन की अर्थव्यवस्था बनने की और विश्व गुरु बनने की अमृत सिद्धि होनी चाहिए। मगर अभी देखिए आपके प्रोग्राम में एक चीज दिखाई जा रही थी अंजना जी, आरजेडी के एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये जो MIM है ये अल्पसंख्यक वोटों का विभाजन करने के लिए बीजेपी की बी टीम बन रही है। अब मैं सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं, करोड़ों दर्शकों से, इसका अर्थ समझ लीजिए, मतलब इनका दिमाग बिल्कुल साफ है कि इनका ए वोटर कौन है। इन्होंने तो साफ कर दिया है कि ए वोटर मतलब MY वाला M जो है वो नंबर वन है और Y को तो बंधुआ बना के साथ में रख ही लेना है, उसकी चिंता विंता नहीं है। इनको चिंता इस बात की है कि वो M न चला जाए तो B कहते कहते, भाजपा के बारे में कहते कहते अपना A तो बता दिया
कि भैया हमारे लिए तो ये है और बाकी सब जाओ किनारे। तो मुझे लगता है कई बार ऐसे कहते कहते दिल की बातें जुबा पे आ जाती हैं, तो जाने में अनजाने में इंडी गठबंधन के दिल में जो जो चीजें छुपी हुई हैं वो अब जनता के सामने उजागर होती क्रमशः चली जा रही। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, ये जो सीमांचल की सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, इससे तो आप ही को फायदा मिलेगा। सुधांशु जी, छोटा सा जवाब। अंजना जी, हाँ, जो लोग इस नजरिए सुनिए, जो लोग इस नजरिए से सोचते हैं वो लोग वो हैं जो इतिहास से सबक नहीं लेते। आज ओवैसी वो कर रहे हैं जो 100 साल पहले जिन्ना ने किया था। 1920 और 21 का यही दौर था जब जिन्ना ने कहना शुरू किया था मुसलमानों से, क्यों तुम तिलक और गांधी के पीछे खड़े रहोगे, तुम आओ अपनी पार्टी बनाओ, हमारे साथ रहो। वही वो दौर आया, चूंकि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में सीमा तक चली गई थी कि याद करिए पहले 1916 में सेपरेट इलेक्टेड मान लेना, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना, फिर उसके बाद मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा वो मान लेना। जब झुकते झुकते झुका लिया तब उसने कहा अपनी तरफ आओ, काहे इनके पीछे खड़े हो। वही देखिए, जो जो चाहते थे ओवैसी वो सब इन लोगों ने किया। अब वो एक नया नेतृत्व तो पूरे भारत में शुरू हो रहा। सुनिए, अकेला ओवैसी नहीं है, केरल में मुस्लिम लीग खड़ी है। तो पूरा सुनिए, पूरा वाक्य हो जाने दीजिए, पूरा वाक्य सर नवल किशोर जी, पूरा वाक्य हो जाने दीजिए। ये ओवैसी अकेले नहीं है, ओवैसी एक फिनोमिना है जो कि असम में बदरुद्दीन अजमल के रूप में, बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के रूप में, केरल में मुस्लिम लीग के रूप में, और यहां पर ओवैसी के रूप में है। ये जिन्न आप ही लोगों ने बाहर निकाला है, इसलिए हम इसको वोट की लाभ हानि से नहीं तौल रहे हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है जिसका निर्माण आप लोगों ने किया है, और ओवैसी जैसी पार्टियां उसी का आउटकम। ठीक है अभय जी, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड, एक छोटा सा जवाब मिला नहीं इनसे, एक छोटा सा बस सवाल का जवाब ले रही हूँ। चाचा को आपने कौन सा अमृत पान कराया कि बिना सीट दिए वो आपकी तरफ आ गए हैं? आप ही कह रहे हैं कि दोनों हमारे साथ रहेंगे, कोई कह रहा है कि गवर्नर बनाएंगे, कोई कह रहा है कि किसी बेटे को मंत्री बनाने की बात है, क्या किया, कौन सा अमृत पान कराया? देखिए, अभी जब तक औपचारिक रूप से सीटों की घोषणा नहीं हो गई है तब तक किस दल को कितनी सीटें मिली हैं इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनाधिकार चेष्टा होगी। चलिए ठीक है, मुझे पता था इसका आप डिप्लोमेटिक आंसर ही देंगे, सभी को इंतजार है क्या होता है। लेकिन बीते दिन चिराग पासवान की मुस्कान पूरी कहानी बता रही थी, खास तौर पर गाजीपुर सीट जिसको लेकर वो चाहते थे, उनके पिता की पारंपरिक सीट है, जो पशुपति पारस उनके चाचा पिछली बार जीत गए थे, वो सीट तो लगभग तय ही माना जा रहा है कि तमाम सीटें उन्हें मिली है। अभय दुबे जी, जवाब दीजिए, आपको लड़ना है, कब तक रोते रहिएगा? ओवैसी आ गए, वहां वोट काट दिया, इनकी बी टीम है, आप तो अरविंद केजरीवाल को भी बी टीम बोलते थे बीजेपी की, और असदुद्दीन ओवैसी पलट कर पूछते हैं कि हम राजस्थान में कौन सा लड़े, हम मध्य प्रदेश में कौन सा लड़े, हम छत्तीसगढ़ में कौन सा लड़े, क्यों जीत गई बीजेपी वहां? अंजना जी, आज आपका ये टॉक शो देखकर मुझे पुरानी पिक्चर याद आ गई, चाचा भतीजा। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं, भाई बंधन है ये, और शाह शहंशाह कृत पिक्चर चल रही है चाचा भतीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, ये चिराग पासवान गा रहे हैं। पहले चाचा के कंधे पे बंदूक रखकर एलजेपी का चिराग बुझाने की कोशिश की, और अब चिराग के कंधे पे बंदूक रखकर चाचा को बुझाने की कोशिश है। अभी नड्डा जी से मिलने के दो दिन पहले साहेबगंज की रैली में अभय जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एक और बुरी खबर से मतलब आपको टोकू मैं, लेकिन यह खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, गठबंधन से इनकार नहीं है विमान बसु कह रहे हैं, लेकिन अभी की जो बातचीत है वो बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस की बात बेनतीजा रही है। ममता बनर्जी ने तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर ही दी है, अब लगता है लेफ्ट के साथ भी वहां पर आपकी बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस व्यवहारिक प्रस्ताव लेकर आए, ये लेफ्ट का कहना है। तो बिहार में अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि यहां पर भी आप लोग 11 सीटें मांग रहे हैं, और खबर यह है कि आरजेडी 7 सीटें दे रही है। सीट शेयर पर बेनतीजा रही बातचीत बंगाल की, चुनाव सिर पर है और कांग्रेस व्यवहारिक प्रस्ताव लेकर आए, ये पहले ममता बोलते बोलते ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया, अब लेफ्ट का भी वही हाल हो रहा है। तो ये सब बीजेपी की गलती थोड़ी है सर, ये सब कोई एजेंसी से थोड़ी करवा रहा है। अंजना जी जी, देखिए मैं चाचा भतीजा पिक्चर का पहले छोटा सा एक संक्षिप्त सा वर्णन कर दूं। तो चिराग पासवान जी कहते हैं कि मेरी पार्टी तोड़ दी, परिवार तोड़ दिया,
लेकिन मैं नहीं टूटा। किसने तोड़ा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और चाचा भतीजा सिर्फ बिहार में ही नहीं है, एक इंटरवल के पहले चाचा भतीजा चल रही थी जिसमें नीतीश बाबू जो चाचा थे उनसे भतीजे के साथ का गठबंधन तोड़ा दिया तेजस्वी का। अब आ जाइए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी यही किया, भतीजे के कंधे पर बंदूक रखी और एनसीपी चाचा की पार्टी उसके दो हिस्से कर दिए और सिंबल भी दिला दिया। इधर आ जाइए मायावती जी, अभी मायावती जी के भतीजे को आकाश आनंद को वाई सिक्योरिटी दी, भाई पर दबाव बनाया और गठबंधन से दूर कर दी करने की कोशिश की। उधर वेस्ट बंगाल चले जाइए जिस ममता जी का आप कह रहे थे, अभिषेक बनर्जी उस पर भी रेड डालते हैं, छापे डालते हैं और दबाव बनाते हैं कि गठबंधन मत करना। तो ये भय बंधन दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। देश के प्रत्येक प्रांत में चले जाइए, अभी उड़ीसा अमित शाह साहब कुछ दिन पहले गए थे, वो कहते थे चिट फंड का और माइनिंग के स्कैम में छोड़ेंगे नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि ईडी सीबीआई या जांच अपने हाथ में लेती है और जांच ढीली कर देती है, क्योंकि ये गठबंधन करना चाहते हैं। अभी इनके एक वरिष्ठ विधायक यहां लगातार छापे मारे, अभी गठबंधन के कुछ दिन पहले, जो क्या कहा जाता है कि वो सामल साहब बिल्कुल नवीन पटनायक ही 6 बार के एमएलए हैं। तो चंद्रा बाबू नायडू 50 दिन तक जेल काट के आए, अभी छूटे भी, एक मुकदमा और लग गया शराब घोटाले का उन पर। चंद्रा बाबू नायडू जी से इन्होंने गठबंधन कर लिया तो भ्रष्टाचारियों को दुपट्टा पहनाकर सदाचारी बना देती भारतीय जनता पार्टी, इनका जो सारा गठजोड़ है। और ये क्या होगा, ये जब इतने जो ये गठबंधन बना है ईडी सीबीआई के फेविकोल का, इनमें दिल जले लोग हैं, ये दिल जले हैं, जिस दिन इनके बहुमत से कम रहा ये सारे छोड़ जाएंगे। नीतीश बाबू इंडिया दल में वापिस आएंगे, ममता जी इंडिया दल में आएगी, लिख कर रखिएगा। बिहार में आपकी आपका बड़ा भाई आरजेडी है, तो थोड़ा नवल किशोर जी से भी पूछ लेती हूँ मैं। आपने कुछ बताया नहीं हालांकि मुझे, पश्चिम बंगाल में अगर आपका नहीं गठबंधन हो पाया ममता बनर्जी से, और अब लग रहा है लेफ्ट के साथ भी मामला डगमगा रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? एक सेकंड सर, लौट रही हूँ। क्या ममता बनर्जी भी डर रही है, लेफ्ट भी डर रहा है ईडी से? लेकिन आपके पास आते हुए नवल किशोर जी, बिहार के सबसे बड़े चाचा भतीजा को तो वो भूल ही गए जो कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार थे, अब वो कौन सा ईडी और एजेंसी के डर से नीतीश कुमार उधर चले गए, आप ही बताइए। नहीं देखिए, नीतीश कुमार जी खुद ही बताने में असमर्थ रहे, वो सिर्फ इतना कह पाए कि मन नहीं लग रहा था, जिसका तेजस्वी यादव ने उत्तर सदन के अंदर ही दे दिया। वो बात तो एक अलग है। अभी फिलहाल जो चाचा भतीजा में ये कौन सा मजबूरी है कि सीट एक भी नहीं देते हैं फिर भी समझा देते हैं, आखिर ये कौन सा गुण है, कौन सा डर है, कौन सा कारण है जिसके आधार पर ये कर पाते हैं? और नीतीश कुमार जी ने पहले भी बोला था कि जो छोटे दल या क्षेत्रीय दल इनके साथ रहते हैं उनको लगातार कम करते रहते हैं, कभी पशुपति जी को कम किया, कभी चिराग जी को कम किया, ये तो उनके नेचर में ही है। इसके साथ साथ एक और चीज भी भूल जाते हैं, जब चिराग जी को सीट देते हैं तो परिवारवाद इनको याद नहीं आता है, बाकी देश में हर जगह परिवारवाद है, लेकिन जो इनके साथ में गए वो परिवारवाद के पात्र नहीं है। ठीक वैसे ही है जैसे सारे भ्रष्टाचारी को पहले ये भ्रष्टाचारी बताते हैं, जैसे ही इनके दल में आता है एकदम साफ सुथरा हो जाता है। कांग्रेस 11 सीट मांग रही है, क्या कीजिए? नहीं देखिए, जो गठबंधन बिहार में हो रही है महागठबंधन, उसमें पहले से भी महागठबंधन में कोई नया आदमी नहीं है, जो बिहार विधानसभा 2020 लड़े थे वही लोग हैं, और सीटों का जो बंटवारा है इस पर गहन विचार चल रहा है कि केवल हमें सीट नहीं चाहिए, जो कौन सा सीट कौन कैसे जीत पाएगा इस पर विचार मंथन चल रहा है, और उसके आधार पे ही सीटों का तय होगा। यहाँ सीट लेना रीजनेबल है, व्यवहारिक है 11 सीट कांग्रेस का मांगना? एकदम पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जवाब दीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट वाले भी कह रहे हैं व्यवहारिक नहीं है, ममता बनर्जी भी यही कहकर हट गई। क्या 11 सीट कांग्रेस का बिहार में मांगना, लोकसभा की बात कर रही हूं मैं, नहीं देखिए जस्टिफाइड है? देखिए बिल्कुल, आपका जो चिंता है वो बिल्कुल जायज है, और इसी कारण से महागठबंधन में विचार मंथन चल रहा है, लेकिन वहां पर ये गठबंधन में जो पात्र हैं वो पहले से ही हैं और रहेंगे, इसमें से कोई बीजेपी में जाने वाला नहीं है, इसलिए सीटों का बंटवारा आप लोग कैसे जाइएगा? दुश्मन नहीं, हम से दोस्ती नहीं, हम दुश्मन नहीं है, हम वैचारिक जाना था तो चलेगा, वैचारिक विरोधी है, और हम मानते हैं कि बिहार ने बताया भी है और आपने देखा भी होगा कि जो पिछले 17 महीना में जो काम हुआ है उसके आधार पर जो जनविश्वास यात्रा या जनविश्वास रैली हुई उसे नींद उड़ी हुई है भाजपा की, और बिहार की जनता इस बार तैयार है, और पिछले बार भी जितना भी सत्ता परिवर्तन देश स्तर पे हुआ है उसको लीड किया है बिहार, और इस बार भी करेगी ऐसा हमारा विश्वास है, और जनता ने भी इस विश्वास के साथ खड़ी नजर आई है इस बार। इसलिए हमें लगता है कि हमारी चिंता ये नहीं है कि किसको कितना सीट मिले, हमारी चिंता ये है कि 40 का 40 सीट हम कैसे जीत पाए, इसीलिए उसी पर गहन मंथन चल रहा है। धीरेन जी दिखाइए, भाई धीरेन जी को, धीरेन जी
अब तो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलेंगे चिराग पासवान, अभी तक गुस्साए फिर रहे थे एकदम ऐसे सीरियस यंग मैन, एंग्री यंग मैन के रूप में दिखते थे नीतीश कुमार के खिलाफ, अब तो गठबंधन हो गया, 5 सीट, जानकारी यही है कि 5 सीटें मिल रही है, यानी लगता है कि गाजीपुर भी ले लिए, जमुई वगैरह जो सीटें चाह रहे थे मिल गई, हाजीपुर माफ कीजिएगा, हाजीपुर बिहार। अंजना जी, हाँ, सूत्र आपके ज्यादा मजबूत हैं तो आपके पास रिपोर्ट ज्यादा अच्छी आती होगी, आप ही लोगों के चैनल से हम लोग भी जान पा रहे हैं कि सीटें कितनी मिल रही है नहीं मिल रही है, अभी तो सब पता नहीं, आप बेहतर बता सकती हैं। लेकिन अभी चाचा भतीजे की बात कर रहे थे अभय दुबे जी, तो सर्टिफाइड चाचा तो देश में नेहरू ही हुए, उसके बाद तो कोई सर्टिफाई हुए नहीं है अभी तक, तो जिस तरह से देश को बर्बाद किया है क्या उसका उदाहरण वो गाने के माध्यम से देना चाह रहे थे ये मुझे अभी पता नहीं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये भय बंधन है, ये स्वाभाविक हम लोगों का गठबंधन है, सुने कि नहीं सुने। गठबंधन नहीं है ना, हमारे नेता सुने कि से नहीं सुने, एंग्री यंग मैन अब शांत हुए कि नहीं हुए 5 सीट मिलने के बाद, अब नीतीश बाबू के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे ना, प्रचार करेंगे ना, नीतीश बाबू के साथ ये पूछ रहे हैं वहां पे, लेकिन पहले बातों का जवाब दे दे कि केवल एक, आप लोग तो डोरे डालते रहे, सुने नहीं चिराग बाबू गठबंधन में आए हैं, हाँ, नहीं नहीं हमारे तो, पास से गए तो वो कमजोर हो गए, गठबंधन में एनडीए गठबंधन के हम हिस्सा हैं, अगर बिहार में वो तीसरे नंबर पे चली गई है, आप तो प्रचार करेंगे ना उनके साथ, धीरेन जी चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी एक मंच पे दिखेंगे ना, गठबंधन का अगर हिस्सा है बिल्कुल दिखेंगे, और देश हित में देश को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की 40 सीटें हम कैसे जीते, उसके लिए हमारी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं इंडी के तरह नहीं है कि कुछ लोग आ गए तो कुछ लोग मैगजीन में बोल रहे हैं, कुछ लोग टीवी पर बोल रहे हैं, कुछ लोग सड़कें पर फरिया रहे हैं, हमारे यहाँ इस तरह की चीज नहीं, अनुशासित गठबंधन है, और ये गठबंधन है इनके जैसा, ये जो कह रहे थे गठबंधन, इनके यहाँ प्रबंधन है, मैनेजमेंट है ये कि भैया लड़ो आपस में अलग अलग, लेकिन हम लोग बोलो कि हम लोग गठबंधन में है, तो ये और ये बता रहे थे कि ईडी सीबीआई का हम लोग डर दिखलाते, तो कांग्रेस के तरह हम लोग एफबीआई पे तो भरोसा नहीं कर सकते ना जी, लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई लड़ने का हथियार हमारे पास सीबीआई और आईपीसी है कि नहीं, तो क्या उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में। दूसरी बात है कि जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है एक एक करके कहीं ना कहीं कोर्ट में भी यह साबित हो रहा है, देश के लोगों ने तो इनको पहले ही नकार दिया अंजना जी, अब ये नेताओं का गठबंधन बना है, जनता इनको पहले ही छोड़ चुकी है, अब नेता भी एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है सुधांशु जी जवाब देंगे उसके बाद अभय जी आपकी बारी, खतरे में नहीं, दो सवाल उठे हैं, ठीक है दो सवाल उठे हैं सुधांशु, इन लोगों के दो सवाल है, सबसे पहला सवाल कि आखिर क्या मतलब, इधर देखिए तो इधर चाचा हैं, इधर देखिए तो बेटा हैं, तो ये सब रिश्ते आपको नहीं दिखते हैं, आपका परिवारवाद उनका परिवारवाद अलग अलग है, क्योंकि परिवारवाद पर ही सबसे ज्यादा आप लोग बिहार में आक्रमक है ना, परिवारवाद इसीलिए ये सब, अरे छोड़िए आप इस पर क्या बोलिएगा धीरेन जी, प्लीज रुके 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 धीरेन जी रुके 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 सुधांशु जी, इस पर आपका जवाब, और दूसरा भय बंधन कह रहे हैं, भय बंधन जी, वैसे जो लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन होते थे वो अगर साथ में आ जाएं तो समझना चाहिए कि कौन किसका भय बंधन कह रहा है। मैं बात पहले भी कह चुका हूं, दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी जब जेल में थे और संकल्प लिए थे कि कांग्रेस को मिटा देंगे, इसलिए अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे ताकि जिंदगी भर मुझे कांग्रेस ने जो वेदना दी है वो याद रहे, और उस कांग्रेस के साथ आ गए। अब भय इधर है या भय उधर है यह स्वयं समझा जा सकता है। अभय दुबे जी ने अभी एक बड़ा अच्छी बात बोली थी, वो क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा बोले थे, अभय जी ये तो बहुत 70 के दशक की फिल्म का गाना है जिसका शीर्षक ही चाचा भतीजा था, मगर आपने जो गीत बताया उसकी पूरी लाइन नहीं बताई, पूरी लाइन ये थी कि तोते से बोली मैना बुजुर्गों का कहना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, ये बुजुर्गों का कहना तो मानते ही नहीं आप लोग, और तोता मैना कौन है ये तो बता दीजिए, आपके यहां तो जो बुजुर्ग आपके युवा को सही दिशा दिखाने की कोशिश करता उसको आप लोग पार्टी के बाहर फेंकाए देते हैं,
वो चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे गुलाम नबी आजाद जैसा व्यक्ति हो, या एके एंटोनी की रिपोर्ट हो, वो नहीं मानते हैं, इसीलिए इस मुकाम तक आकर पहुंच जाते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, कई जगहों पर भतीजों ने बिहार में, अब देखिए साहब नीतीश कुमार जी के भतीजे थे, अब तेजस्वी जी इतना ज्यादा चलने लगे तो फिर चचा को थोड़ी तकलीफ हो गई। आप यूपी में देखिए, बुआ भतीजा गठबंधन था, वहां भी भतीजे ने बुआ को कष्ट दे दिया, तो भैया लखनऊ वाली बुआ जी तो समझ गई थी भतीजे को भी, कलकत्ते वाली बुआ जी नहीं समझ पाई है। कलकत्ते वाली बुआ जी के लिए भी उनका भतीजा बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ा हुआ है। परंतु हमारे यहां जैसा धीरेन जी ने कहा कि सारे विषयों को लेकर एक सामंजस्य रहता, मगर आपने एक बात कही अंजना जी, वो बात बहुत गंभीर है। आपने जो परिवार की बात कही, मैं बात बिल्कुल मानता हूं। पहली बात मैं ईमानदारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ हद तक वामपंथियों इसलिए कह रहा हूं, पिनारी विजयन ने भी अपने दामाद को बना के मंत्री, विधायक बना के मंत्री बना लिया है, तो कुछ हद तक ही कम्युनिस्ट बचे हैं बाकी पार्टियों में ये। मगर आप एलजेपी से तुलना नहीं कर सकते, उसका कारण ये भी है, एलजेपी दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन लोगों के ऊपर परम वैभव था, एक जमाने में जिनके मुंह में सोने का चम्मच था आजादी से पहले, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े हुए पैसा बरस रहा था, आपको कोई एक पीढ़ी में स्थापित करके दूसरी पीढ़ी में उसके उस जो आपने स्थापित किया उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए बताना चाहते हैं। तो रामविलास पासवान जी एक अलग चीज को रिप्रेजेंट करते थे, तो बिहार का दबा कुचला वंचित समाज, ये परिवार के बाद का परिवार, इसलिए ये स्थिति अलग थी। मगर मैंने तो पहले ही, मगर सुनिए तो साहब, मैंने तो पहले ही बोल दिया भाई, ये बताइए क्या रामविलास पासवान जी ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री पद से हटा तो मेरे रहते हुए मेरे ही सरकार, मेरे ही मंत्रिमंडल में, मतलब मेरे, मैं कैबिनेट हूं तो राज्य मंत्री फलाना बन जाए, या मैं हटूंगा तो फिर ये मेरा बेटा मंत्री बन जाए। आपने पार्टी के मीटिंग में बोले हैं, पार्टी के मीटिंग में बोले हैं कि भविष्य चिराग ही है, पूरा कर ले। सुनिए सर, एक लाइन पूरी कर, सिर्फ एक लाइन पूरी कर, एक लाइन बोलिए बोलिए। देखिए कांग्रेस ने एक लकीर खींची थी परिवारवाद की, देखिए जब इंदिरा जी बनी वहां तक एक थोड़ा अलग मान सकता हूं, क्योंकि इंदिरा जी नेहरू जी के जमाने में भी राजनीति में सक्रिय थी, फ्रीडम आंदोलन के समय से। राजीव जी बने वो एक अलग इन्होंने नया प्रयोग किया कि दो साल पहले व्यक्ति को बना दिया, मगर साहब जब राबड़ी देवी जी को बनाया था वो तो भारत की राजनीति का अचंभित करने वाला प्रयोग था। तो आपने तो ऐसे ऐसे महाकाव्य लिख दिए हैं परिवारवाद के कि वो आज की युवा पीढ़ी सुने तो उसे समझ में ना आए कि अपनी जाति का एक भी व्यक्ति नहीं मिलता है, पिछड़ों की बात करने वालों को बाकी पिछड़ों को छोड़िए, अपनी जाति में एक योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है, जब भी देना होता है। बड़ी हार मिली थी राबड़ी देवी के नेतृत्व में, मैं, मेरी पत्नी, मेरा सुनिए तो, अरे साहब पूरा कीजिए सुधांशु जी, बात करें, सबसे बड़ी हार जानते क्या थी बिहार में 2010 में, 243 में 200 सीटें मिली थी एनडीए को, जनाब की बात बड़ी जीत किसी को बिहार में नहीं मिली। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तब की बात कीजिए, 2000 की एक बात तो तय है, रुकिए दिखाइए, एनडीए और इंडिया गठबंधन का दोनों साथी दिखाइए। अंजन ये जो तस्वीर है ना, यही सबसे अच्छी है। धीरेन जी को देखिए, एकदम समर्पण मुद्रा में है, एकदम उनको बोलने का चांस नहीं चाहिए, एक बार हाथ नहीं उठाते हैं और आप दोनों हाथ लपकते रहते हैं। अरे सुनिए अभय जी सुनिए, सच्चाई ये है कि बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, वहां आप छोटे भाई के ही रूप में हैं। यहां पर अगर आप एल्बो बनाने की जगह में आप वहां पर कोशिश करेंगे हाथ मरोड़ने की, तो इसको अव्यवहारिक बोलेंगे। अव्यवहारिक बोल के ही नीतीश कुमार निकल गए, अव्यवहारिक बोल के ही ममता बैनर्जी ने अपने उम्मीदवार अनाउंस कर दिए, सीट शेयरिंग नहीं की, अव्यवहारिक लेफ्ट भी इसे कह रहा है। आखिर क्यों आप लोग ये समझौता नहीं कर पाते हैं, इस पर आपने कभी सोचा? अगर सोचा है तो एक जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है अपने दम पर हरा नहीं सकते, तभी तो ये सब चाहिए ना आपको, आरजेडी के बिना तो आप कुछ नहीं है वहां पे बिहार में। अंजना जी इस पर जवाब दूं, पहले उसके पहले 10 सेकंड में बड़ा जार जार आज सुधांशु जी आंसू बहा रहे थे रामविलास पासवान जी पर। देश भूला नहीं है वो दृश्य कि एक दलित नेता की मृत्यु के उपरांत उनके घर का सामान किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर बिखेर दिया था, इस पूरे देश ने देखा है। ये जो भयबंधन की शाह-शंशाकृत पिक्चर चल रही ना, इसका एक सत्ता के अतिथि कलाकार भी है ओवैसी जी, जिनका जिक्र आप बीच में कर रही थी, जहां जहां चाहते हैं
वहां सत्ता के अतिथि कलाकार उन राज्यों में पहुंच जाए। बड़े परिवारवाद की व्याख्या बहुत लंबी लंबी सुन रहा था मैं। प्रेम धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर जो अभी टिकट घोषित किए ना आपने, येदुरप्पा के बेटे राघवेंद्र को, रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या को, वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल को, एकनाथ खड़से की पुत्र वधि रक्षा खड़से को, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को, राधा कृष्ण विखे के बेटे सुजाय को, किशोर देव बर्मन की बेटी कृति को, एक लंबी फहरिस्त है परिवारवाद की। कहां खोए हुए हैं जनाब? और हमारे जो गठबंधन का प्रश्न है अंजना जी, उस पर मैं जवाब देता हूं, हम बहुत बड़े हृदय के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि ये देश बचाने की लड़ाई है। हमने हर संभव कोशिश की है, यहां बड़े छोटे का प्रश्न नहीं है। जहां राहुल गांधी जी ने कहा कि जो मजबूत हो जिस प्रांत में जीत सकता हो, दृढ़ता से इनके खिलाफ लड़े। जो भयबंधन के लोग थे वो चले गए भयवश, लेकिन मैं मानता हूं कि जब 24 के परिणाम आएंगे, इनको बहुमत नहीं मिलेगा, तो ये सारे लोग इंडिया गठबंधन दल के साथ आएंगे। हाँ। जो दृश्य देश ने 2004 में देखा था वो हम पुनः परिभाषित करेंगे। उस समय 335 सीटों का दल था। इस सवाल का तो जवाब दे दीजिए। जो ठीक है, वो कहते हैं एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में मैं नहीं लड़ा, फिर क्यों नहीं आप लोग जीत लिए? कब तक उनको बी टीम कहेंगे? नहीं देखिए, वो तो आपने खुद ने बताया कि जहां पर जहां पूर्वांचल के क्षेत्र में, बिहार में, मैं बिहार के इलेक्शन में रहा हूं, वो सीटें चुन कर दी जाती है जहां पर वो पोलराइज कर सकते हो। नहीं, और वो सारे बयान ओवैसी साहब देते हैं जिस पर पोलराइजेशन होता है, लड़े जहां पर मामला बराबरी का है, मतलब मुस्लिम बहुल नहीं जो सीटें हैं वहां पर भी इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको पता है कि सबसे बड़ा सवाल यही उनसे पूछा जाता है, लेकिन वो कहते हैं मैं क्यों नहीं लड़ूं और मैं किसके लिए छोड़ूं? आपने कौन सा हरा दिया? आपके पास उसका तो जवाब है नहीं कि एमपी में नहीं वो लड़े, राजस्थान में नहीं लड़े, ऐसी सीटों पर तो नहीं लड़े। कब तक ओवैसी रोते रहिएगा? नहीं देखिए, ओवैसी चुनाव लड़े और जहां मन है वहां लड़े, बिहार में भी लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं। पहली बात यह कि 2020 में जो उनको सीट मिल गई वो एक ऐसी अलग परिस्थिति थी। जो लोग हमारे नेता और कार्यकर्ता थे उनको सीट किसी कारण से नहीं मिल पाया, वो लोग जाकर वहां पर चुनाव लड़े, फिर स्वतः अपने पार्टी में आ गए। ओवैसी की राजनीति का कोई समर्थक बिहार में नहीं है, ये पूरा बिहार जानता है। ये उनकी चिंता होनी चाहिए क्योंकि वो बिहार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो उनका अपना एक सोच है, अपना एक तरीका है, उसी के आधार पर लड़ते हैं। बिहार में जो लड़ाई है वो वास्तव में लड़ाई है कि नौकरी कौन देने वाली सरकार है। और पिछले 17 महीने में जो सरकार चली चाचा और भतीजे की, चाचा को हमने मशहूर किया बिहार में, उनको बताया कि नौकरी कैसे दिया जा सकता था। सुधांशु जी के साथ 17 साल रहे, नौकरी दे भी नहीं सकते थे, जो नौकरी की बात करता था उसको धुतकारते भी थे। वैसे व्यक्ति को हमने एक सप्ताह में समझाया, 9 और 15 अगस्त एक सप्ताह में समझा दिया कि 10 लाख नौकरी नहीं, 10 लाख रोजगार भी दे सकते हैं, और वो करके दिखाया 5 लाख में। वही चिंता हुई सुधांशु जी की कि हमारी जमीन समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि दोबारा वो कोई ना कोई कर्म करके उनको साथ लाए हैं। लेकिन बिहार की जनता का पहली पसंद राष्ट्रीय जनता दल है, वो आपको दिख चुका है, और यही आपकी चिंता का मूल कारण है। पर लड़े तो उनके विधायक उनके सिंबल पे थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो लड़े थे, और जनता ने AIMIM के सिंबल के लिए वोट किया था ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन आपने कैसे चुरा लिया? लेकिन हमारे जैसे बीजेपी चुराती, आप एक सेकंड सवाल तो सुनिए। आप कहते हैं बीजेपी दबाव में, ईडी सीबीआई इसकी वजह से, आपने कैसे उनके विधायकों को ले लिया? 5 में से कितना, 4 ले लिया? 4 ले लिया। देखिए यही तो देखिए यही तो सोचने वाली और समझने वाली बात है। हम न सरकार में है न हमारे साथ कोई धन्ना सेठ है। हाँ। फिर भी 4 लोग आ रहे हैं, वो लोग वैचारिक तौर पे हमारे पास आए और हमारे दल में शामिल हुए। कोई दबाव नहीं क्योंकि हमारे पास न सरकार थी और न ही धन बल था। यहाँ पे तो जब सरकार बनाना होता है, तोड़ना होता है, तो महाराष्ट्र से उठाते हैं, गुजरात होते हुए आसाम ले जाते हैं, वहां के मुख्यमंत्री उनका मेहमान नवाजी करते हैं। ये क्या देश ने देखा नहीं है क्या? यहाँ पे कोई एक भी उदाहरण ऐसा दिखा दीजिए। नीतीश जी भी आए, कोई दबाव था क्या उनपे? क्यों आए हो? वो आकर बोले कि आप छोटे दलों को समाप्त करते हैं। अभी भी आपने उदाहरण दिया है, 5 सीट वालों को समझा रहे हैं सीट देने के बदले, एक भी सीट नहीं दे रहे हैं और समझा रहे हैं, और कहते हैं वो समझ जाएगा। कैसे समझ जाएगा भाई, जिसका 5 सीट में एक भी सीट नहीं दे रहे हैं? सब कह रहे सुधांशु जी, सब कह रहे हैं कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा फिर हो सकता है नीतीश बाबू को आप लोग, मतलब ये जो आप लोग का इंटरमिटेंट रिलेशनशिप है, हो सकता है फिर गड़बड़ा जाए। सम्राट चौधरी का भी परिवारवाद बता दीजिएगा। सुधांशु जी आपको मालूम होगा उनके पिताजी कौन थे, और वो पहले आरजेडी में थे, फिर जदयू में गए, और उसके बाद आपके पास गए, उनको भी आपने अध्यक्ष बना दिया। कहते हो कि सबसे विशाल पार्टी है पूरे विश्व में, डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम भी है। बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। अरे सुनिए सुनिए जनाब, जवाब दे रहा हूँ बिल्कुल। देखिए नवल किशोर जी के मुंह से जो बात निकली,
मैं करोड़ों दर्शकों से कहूंगा जरा उसको देखिए, इन्होंने क्या कहा कि 2020 के चुनाव में हमारे कुछ कार्यकर्ता चले गए ओवैसी की पार्टी में और उनको हमारा वाला वोट मिल गया और वो जीत गए। देखिए दोनों पार्टियों में कैसा आत्मीय संबंध है, मतलब कैसा नाविनाल का संबंध है कि एक का कार्यकर्ता दूसरे के यहां चला भी जाता है, उसमें एजिमुलेट भी हो जाता है और उसको वोटर अपना मान लेता है, यानी इधर रहे या उधर वो अपना ही आदमी रहता है। यही है कि दो जिस्म एक जान है हम, और ये जो बैठे हैं अभय दुबे जी, अविभाजित आंध्र प्रदेश में एमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर सरकार ये चला चुके हैं। अब सोचिए एक सरकार चला चुके हैं और जब वो ओवैसी के भाई ने वो घटिया वाला बयान दिया था उस समय इनके साथ वो लोग सरकार में थे अविभाजित आंध्र प्रदेश में, और ये कह रहे हैं इधर क्या उधर चले जाने के भी हम उनको अपना मानते हैं, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है। तो अब बिल्कुल ये मामला एक्सपोज है। अब मैं परिवारवाद पे जवाब देता हूं। नवल किशोर जी देखिए, मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं, वाद शब्द से समझना चाहिए, पूंजी और पूंजीवाद में अंतर है। जैसे पूंजी हर व्यक्ति को चाहिए, जीवन यापन करने के लिए चाहिए, जीवन में संसाधनों के लिए आवश्यकता के लिए पूंजी चाहिए। पूंजीवाद यह होता है कि सब कुछ पूंजी मेरे पास होनी चाहिए। उसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा कोई नेता बताइए मुख्यमंत्री से हटा और उसने कहा मेरा बेटा मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटे और मेरा बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, यह है परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं किसी के परिवार का व्यक्ति चुनाव में नहीं लड़ेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, राजनीति में नहीं आएगा नहीं कहा जा सकता। परिवारवाद यह है कि मेरे ही हाथ में रहेगा और जब हटेगा, मैं 50 बार ये बोल चुका हूं पुनः कह रहा हूं, अंजना जी के परिवार का कोई व्यक्ति आज तक में या पत्रकारिता में नहीं आ सकता, ये कैग नहीं लगाया जा सकता, मगर परिवारवाद ये है कि अंजना जी कहें जिस दिन मैं हल्ला बोल परिवार का व्यक्ति एंकर बनेगा, तो आप क्या एंकरशिप है, ये परिवारवाद है। इसलिए पूंजी और पूंजीवाद में जो अंतर है वो परिवार और परिवारवाद में अंतर है। अच्छा, आप सबको इतनी चिंता है मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की, अपनी अपनी चिंता कीजिए क्योंकि अब जनता अपना मन बना रही है आपको सुन के वोट डालने का। अभय जी देखिए, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर आपके गठबंधन के साथी आपको अव्यवहारिक क्यों कह रहे हैं। अब उनका तो होते हुए भी देखिए ना धीरज जी को, धैर्य देखिए उनके चेहरे का, समझिए इस भाव को। अब उनको क्या डर है, उनको तो सीटें मिल गई हैं जो चाहिए थी, लेकिन एक भाव है कि बीजेपी के साथ हम हैं, अपना अपना हिस्सा मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। इसके बाद आऊंगी धीरेन्द्र जी, ठीक है, आपने पहली बार हाथ उठा दिया। लेकिन अभय दुबे जी, अंजना जी, सीटें आप मांगेंगी, कौन मानेगा कि मतलब 40 सीटें बिहार की, उसमें 11 सीटें कौन व्यवहारिक मानेगा इसे बिहार में। देखिए दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जिनका व्यापक समूचे राष्ट्र में एग्जिस्टेंस है, सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर इसलिए रखता हूं कि दक्षिण के दरवाजे से बाहर कभी भी पैन इंडिया पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब तक भी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी चूंकि व्यापक, आप देखिए आज भी 18 स्टेट में हमारे कम होने के बावजूद 18 राज्यों में सांसद हैं, तो हमारे साथ वहां वो दल लंबे समय से कालांतर तक उनके साथ प्रतिस्पर्धा रही, ये बात हमने कही थी। और हमने कहा था कि फिर भी बड़ा हृदय रखकर हम हर संभव, हर राजनीतिक दल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले उसको प्रांतों के स्तर पर जब राष्ट्र के चुनाव हो, लेकिन एक समन्वय स्थापित करके हम इस बड़ी लड़ाई को बड़े हृदय के साथ लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, बताइए कोई आवाज ही नहीं आ रही इनके दल में, सिर्फ ये चिराग पासवान, आप देखिए ना पशुपति पारस जी का एक बयान आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना अधिक दबाव है। और ये दबाव के साथ जब भयबंधन की सरकार है तो जब बहुमत कम होगा तो एकदम बिखर जाएगा। ये जो तथाकथित 38 दल हैं जिसमें से 9 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, 16 का 9 ने चुनाव नहीं लड़ा, 16 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये टूट के बिखर जाएगा। ठीक है, सारे प्रांतों में दबाव बनाकर गठबंधन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी या इंडिया बोलने दिया तो का नहीं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आप लोग लाते कहां से है? जब आप कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, ये कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं? क्या आपको पता है 52 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 303 बनाने के लिए? कहां से लाते हैं कॉन्फिडेंस? आप जानती है 414 सीटों का राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी रही है देश में, जिन 400 पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जो कभी संभव ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लिख के रख लीजिए आप, दक्षिण के दरवाजे के बाहर फेंक दिया गया जिस राजनीतिक दल को, उससे तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, सीट के संदर्भित विषय पर कह सकता हूं कि हमारी सीटें उनसे अपेक्षाकृत कम है, लेकिन हम दशक दर दशक देश में रहे, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे प्रांतों में कांग्रेस ही कांग्रेस थी, 6 दशक तक कांग्रेस पार्टी थी, आने वाले 6 दशक तक फिर कांग्रेस पार्टी।
अंजना जी, आपने जो सवाल पूछा था ना कि कांग्रेस व्यवहारिक क्यों नहीं होती है, अभय जी के उत्तर में उसका जवाब आ गया। वो आज भी जब ये कह रहे हैं कि वो भाजपा से बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, और एक शब्द क्या बोला, हमारी सीटें भाजपा से अपेक्षाकृत कम है, मतलब 303 और 52 उनको अपेक्षाकृत कम नजर आ रहा है। दक्षिण भारत में इस समय इस विधान लोकसभा में हमारे लोकसभा सांसद आपसे ज्यादा है, और उत्तर भारत में दिल्ली शून्य, उत्तराखंड शून्य, हिमाचल शून्य, राजस्थान शून्य, एमपी एक, गुजरात शून्य, यूपी एक, राष्ट्रीय दल है। इस पे तो मुझे वो लाइन याद आती है जब मुगलों का बादशाह एक था शाह आलम, जब सारी सल्तनत खत्म हो गई थी, वो एक तरीके से मराठों कैप्टिव हो गया था, नाम उसका शाह आलम था, तो उसके दरबारी कहते थे अरे आप तो शाह आलम है, आलम मतलब दुनिया के शाह हैं, तो उसके लोग कहते थे हकीकत यह है सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी जिनका प्रभाव क्षेत्र लाल किले से पालम यानी आज के आईजीआई एयरपोर्ट के इलाके तक था वो शाह आलम समझते थे। बस इसी कारण से आपकी ये स्थिति है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पे बोला था कि तुम्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमी ही नहीं। आपकी बारी है अब समझाने की, क्या कांग्रेस व्यवहारिक है नहीं है, मैं सिंपल पूछ रही हूँ। नहीं बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी पर जितना टारगेट करना था आपने कर लिया, अब जरा ये बात हो कि कैसे सीट शेयरिंग होनी चाहिए इंडिया गठबंधन में। नीतीश बाबू वैसे ही चले गए, व्यवहारिक है 11 सीटें मांगना? नहीं देखिए, बार बार हमारे लीडरशिप ने ये बात कही है कि जिस राज्य में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उनको कांग्रेस को खुले दिल से उसको आगे काम करना चाहिए, करने देना चाहिए, रणनीतिक जो वर्चस्व है उन पर रहने देना चाहिए, कैसे वहां पर चुनाव लड़ेंगे, कौन चुनाव लड़ेंगे, कैसे सीटें जीती जा सकती है, क्योंकि लालू जी भी पहले बोला करते थे कि रीजनल पार्टी नहीं है, रीजनल के क्षेत्र में ओरिजिनल पार्टी है, उसकी अपनी मुद्दे हैं, अपना लोकप्रियता है, अपना नेता है, अपना कार्यकर्ता है, तमाम तरह के आधार पे वो बड़ी पार्टी है वहां पे, इसलिए उसको बढ़ा, जब तक उसको आगे नहीं रखा जाएगा तब तक रिजल्ट वैसा नहीं होगा। ये आप राहुल जी को कह रहे हैं? कह चुके हैं नेताजी, हमारे लीडरशिप भी कह चुके हैं, और मैं कोई केवल डिबेट में नहीं कर रहा हूं, ये सत्य बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक बात याद रखना चाहिए कि संसदीय प्रणाली में और जहां अग्रेता ही विजेता हो, चुनाव प्रणाली हो, जब दो दल वाला 303 पहुंच सकता है तो 52 सदस्य वाला भी पहुंच सकता है, उसके तो पहले भी इतिहास रहे हैं। जब आपके दो दल, आपको पता है जो जनता पार्टी की सरकार बनी उसके पहले तो जनता पार्टी थी भी नहीं, जो जनता दल की सरकार बनी नवासी में थी भी नहीं, कैसे सरकार बना लिया। संसदीय प्रणाली में जो मुहिम चलती है, हवा चलती है, तो बड़े बड़े किले ढहते हैं, उसके पहले भी कांग्रेस को 400 ज्यादा सीट थी, कैसे जनता दल ने सरकार बना लिया। तो ये आप न कहें कि केवल 303 वाला ही 400 पहुंच सकता है, हो सकता है इस बार नया गठबंधन। धीरेन जी, अब आपको धैर्य का इनाम मिलेगा, जल्दी से बताइए तो कुछ तो बताइए, चिराग पासवान ने कैसे किया, एक जो जादू उन्होंने किया जो 5 सीटों वाला, और चाचा का एकदम ही खेल खत्म कर दिया, कैसे किया? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो हमारी पार्टी तोड़ने का ये लोग पता नहीं क्या मजा लेना चाहते हैं। अरे पार्टी तोड़ सकता कोई, हमारे नेता नहीं टूटे, और किसने तोड़ी पार्टी ये भी मुझे पता नहीं है, पर किसी ने छोड़ा मेरे नेता को नहीं, ये बात अटल सत्य है। तो ये टूटने और कूटने का देश तोड़ने वाले के साथ तो कम से कम हम लोग नहीं है ना। तो जिसकी तरफ चाचा गए थे उसी से आपने अब हाथ मिला लिया, किसने तोड़ा फिर? ये तो मैं, मुझे नहीं पता है कि मेरे दल को किसने तोड़ा, लेकिन मेरे नेता को किसी ने नहीं छोड़ा। ये मेरे खबर होकर डिबेट में आइएगा तो कैसे बिहार के 13। अबे जी, सिर्फ दो लाइन एक लाइन। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री जी को जवाब दीजिएगा पैरों के तले जमीन का, कि तुम अपना कद कितना बढ़ाओगे, हम आसमां हैं, हमें छू ना पाओगे। कांग्रेस पार्टी हर दृष्टिकोण से आसमां। ठीक है सर, ठीक है सुधांशु जी, एक ही लाइन में जवाब दे दूं? देखिए पहले तो मैं बता दूं कि हमारे पारस, पशुपति पारस जी, पारस का अर्थ समझते ना, पारस मणि होती है, तो पारस और चिराग मिलकर लालटेन से तो ज्यादा रोशनी कर लेंगे, इस मामले में आश्वस्त रहना चाहिए। और मैं अभय दुबे जी से भी कह देना चाहता हूं, जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाएं, गिरधर मुरलीधर कहें महिमा बदलत ना आए। तो प्रधानमंत्री जी को कितना छोटा करने का प्रयास करिए, उनकी महिमा नहीं बदलने वाली। महिमा तो है ही अपरंपार, तभी तो पारस भी और चिराग भी। देखते रहिए आज तक।